बालों का झड़ना रोकने से लेकर 3 गुना तेजी से नए बाल उगाएं, बस इसे लगाएं। नमस्कार दोस्तों, बालों का झड़ना और सर से बाल उड़ जाना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी जीवन शैली और खाना पीना इतना बदल चुका है कि जिसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, दूषित वातावरण और गलत खाना पीना और हार्मोनल चेंजेस के कारण बालों का पतला होना और फिर झड़ना शुरू होना एक आम समस्या बन चुकी है। झड़ते हुए बालों को दोस्तों अगर शुरुआती दौर पर रोक लें तो इसका असर हमारे बालों पर ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन अगर शुरुआत में अगर हम बालों का झड़ना नहीं रोक सके तो आगे जाकर बाल और भी तेजी से झड़ने लगते हैं और हमें कई तरह के रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आज दोस्तों हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो बालों का झड़ना वहीं पर रोककर नए बालों को 3 गुना तेजी से बढ़ाएगा। इस उपाय को आपको कैसे तैयार करना है और कैसे हमें लगाना है, आइए देखते हैं। इस उपाय में दोस्तों हम एक हर्बल ऑयल तैयार करेंगे जिसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला, ये बेटल लीफ जिसे दोस्तों हम पान का पत्ता कहते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर 2 पान के पत्ते लेने हैं जो आपको किसी भी पंसारी दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। अगली चीज, हम यहाँ पर गुड़हल के पत्ते लेंगे, हिबिस्कस दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है। गुड़हल का फूल आप सभी ने देखिए कुछ इस तरह से देखा होगा। गुड़हल के फूल और दोस्तों पत्ते दोनों हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसके यहाँ पर पत्ते लेने हैं और 8 से 10 इसके पत्ते लेने हैं। और इसी के साथ साथ तीसरी चीज हम यहाँ पर लेंगे, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता दोस्तों ये वही है जिसका घर पर हम कई तरह की सब्जियां बनाने में प्रयोग करते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर 1 कटोरी में ताजा करी पत्ता लेना है और इसका ऑयल बनाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर नारियल का तेल लेना है। आप दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कोकोनट ऑयल लीजिए और आपको 200 ml के बराबर इस तेल को लेना है। इन सभी चीजों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है हमने कितना कितना लिया है, और इन पत्तों को हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि पान का पत्ता एक देसी नुस्खा है बालों का झड़ना रोकने के लिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे बालों की जड़ों पर यानी कि स्काल्प के अराउंड जितना भी इन्फेक्शन होता है उसे हटाने में काम करता है, जिससे दोस्तों हमारे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ जिनकी हेयर ग्रोथ स्लो है उसे बढ़ाने के लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद है। हिबिस्कस दोस्तों एक ऐसा प्लांट है जिसका हम चाहे पत्ता लें या फूल, दोनों ही दोस्तों हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बालों की रीग्रोथ चाहिए यानी कि जिनके बाल नहीं उग रहे या पतले बाल हैं जो उगना बंद हो गए हैं, उनके लिए दोस्तों हिबिस्कस का पौधा बहुत फायदेमंद है। एलोपेशिया की समस्या या सर पर एक जगह पर गंजा बनाने पर भी हिबिस्कस के पत्ते दोस्तों बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ हमने तीसरी चीज ली है, वो है करी पत्ता। करी पत्ता में दोस्तों बेटा कैरोटीन और प्रोटीन पाया जाता है जो हेयर थिनिंग यानी कि पतले बाल और बालों के झड़ने की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे लगाने से दोस्तों आपके झड़ते हुए बाल रुक जाते हैं और बाल फिर से उगना शुरू होते हैं। इन तीनों चीजों को हम यहाँ पर लेंगे और तेल तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आपको एक पैन लेना है और इस पैन में हम यहाँ पर ये पान के पत्ते, हिबिस्कस के पत्ते और करी पत्ता यानी कि करी लीव्स भी इसमें मिला देंगे। इन तीनों को मिलाने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों इसमें 200 ml कोकोनट ऑयल मिलाना है। हम यहाँ पर 200 ml की एक बोतल खरीद लेंगे और इस पूरे तेल को इसमें मिला देंगे। इस तेल को बनाना दोस्तों बहुत आसान है। इसके लिए आपको यहाँ पर इस तेल को पकाना होगा और इसे धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक ये हरे से भूरे नहीं हो जाते, यानी कि हल्के ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक आपको इस तेल को धीमी आंच पर गर्म करना है। और जब ये तेल तैयार हो जाएगा हम इसे ठंडा कर लेंगे और आपको इसे छान लेना है। छानने के लिए आप छन्नी का प्रयोग कर सकते हैं या कपड़े की मदद से भी, एक सूती कॉटन का कपड़ा होता है जिससे यह तेल अच्छी तरह से छन जाएगा। और फिर इसे एक बाउल में निकाल लीजिए और ये हर्बल ऑयल दोस्तों हमारा तैयार है। ये तेल दोस्तों इतना फायदेमंद है कि आपके झड़ते हुए बालों को रोककर नए बालों को 3 गुना तेजी से बढ़ाएगा। आपके बाल भी घने होंगे और आपके बालों को पूरी केयर होगी। आपको इसे लगाना कैसे है आइए देख लेते हैं। इस तेल को लगाने की विधि दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तेल को लेंगे और चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाएंगे। किसी भी तेल का असर दोस्तों बालों पर तब दिखता है जब हम उसे बालों की जड़ों पर लगाते हैं। आप इसे अपने बालों की जड़ों पर इसकी मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद 1 से 2 घंटे तक अपने बालों पर लगा रहने दें और फिर किसी भी हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। इस तेल को दोस्तों हम स्टोर करके आसानी से 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं। ये पूरी तरह से हर्बल है इसलिए खराब भी नहीं होगा। इस तेल का प्रयोग दोस्तों आपको हफ्ते में 3 बार करना है, यानी कि हफ्ते में 3 दिन इसे अपने बालों पर लगाएं, जिससे आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा और जो नए बाल आएंगे वो 3 गुना तेजी से बढ़ेंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।